गवर्नमेंट जितना अपनी दानस में सपोर्ट कर सकती है और हमारी इकोनॉमी का जो हाल है स्ट्रगलिंग yeah. एवरीवेयर uh, अभी आपको एज ऑफ नाउ क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जो uh, जो आपको फेस करने पड़े अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ बी मी एज अ परसनटूट इंस्टीट्यूट देखिए चैलेंजेज़ वही आ रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एल के बड़े मसले हैं ठीक है ना तो ज़्यादातर जो हम इक्विपमेंट्स मंगवाते हैं दवाइयाँ मंगवाते हैं तो उसमें शुरू शुरू में काफ़ी हमें इश्यूज आए थे एलसी के अभी थोड़ी बहुत हो रही है स्मूथ हो रही हैं दूसरा ये है कि जो चीज़ें हमने फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे अगर कोई चीज़ सौ uh, रुपये में थी अभी उसकी कीमत दो सौ रुपये हो गई अब उन वेंडर के साथ नगोशिएट करना कौन मांगेगा कौन आपको देगा उसी प्राइस पर तो उसके इशूज़ आते हैं उसको हम डील कर रहे हैं तीसरा जो इशू मैं देख रहा हूँ फ्लाइट ऑफ टैलेंट Oh, okay. पिछले एक साल में पाकिस्तान से दस लाख पढ़े लिखे लोग जा चुके हैं hmm. एक हम जैसे पागल लोग हैं वापस आ रहे हैं लेकिन ज़्यादातर <laughs> लोग जो सैन लोग हैं वो जा रहे हैं hmm. अब इसी तरह नर्सिंग में मतलब काफ़ी जो हमारी ट्रेन नर्सिंग है वो सिर्फ ये नहीं है कि हमारे इंस्टीट्यूट आप पाकिस्तान में किसी भी हॉस्पिटल से बात करें उनके सी ई ओ एस सी ई ओ से आप यही कहेंगे कि जो हमारी ट्रेन नर्सिस थी वो जा रही हैं यू ए जा रही हैं इंग्लैंड जा रही है यूरोप जा रही हैं तो देर आर डिफरेंट चैलेंजेस आई मीन इट इज़ इट इज़ अ चैलेंजिंग टाइम फॉर एवरी इंडस्ट्री इंकलूडिंग हेल्थ केयर इंडस्ट्री अच्छा ये बताइए कि हम अक्सर सुनते हैं कि देर आर नॉट इनफ डटर्स ब्रेन ड्रेन तो एक वजह है बट लाइक like, क्या स्किल में भी मसला आ रहा है मतलब अब ऑबियसली आप रिक्रूट भी करते होंगे hmm. बिल्कुल तो आपको लग रहा है कि टैलेंट इज़ नॉट एज एट पार कोई इस तरह का देखें इसमें टैलेंट है पाकिस्तान में लेकिन वही पाँचों इंगलियाँ बराबर नहीं होती और मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान में डॉक्टर काफ़ी तादाद में हैं और इतनी तादाद में कि हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी करते हैं चौरासी so हज़ार तो प्रैक्टिस नहीं करती होती तो तो फिर खाते फिर ट्रेन भी होती हैं प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत बन गए हैं सरकारी कॉलेजेस भी हैं फिर आप देखें जो बहुत अच्छे टैलेंटेड होते हैं जहरी बात है वो फिर चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया यू एस यूरोप चले जाते हैं बाकी जो रह जाते हैं उनमें भी काफ़ी हैं जिनमें टैलेंट है इसी वजह से तो चल रहा है निज़ाम चल रहा है यहाँ um, <coughs> so. so. मैं कहता हूँ कि डॉक्टर से ज़्यादा द प्रॉब्लम वी हैव इज़ द नर्सिंग शॉर्टेज अब देखें अब जो मेडिकल कॉलेज बनाने में इंसेंटिव ज़्यादा हैं जो उनके मालिकान होते हैं प्राइवेट में काफ़ी ठीक ठाक पैसा बनाते हैं उसमें ठीक है ना और तो इसी वजह से मेडिकल कॉलेज जो है ज़्यादा बन गए पाकिस्तान में जो नर्सिंग कॉलेज प्रॉपर नर्सिंग कॉलेजेस उसमें उस तरह का प्रॉफिट नहीं होता लेकिन अगर आप टेक्निकलिटीज़ देंगे अगर किसी अच्छे क्वालिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर तो आके आपको पाँच मिनट देख लेगा बट नीड क्वालिटी नर्सेज क्वालिटी टेक्निकल स्टाफ वो कम है पाकिस्तान में तो हमें चाहिए कि उस चीज़ पे ज्यादा फोकस करें uh, ठीक है डॉक्टर्स हैं मेरे ख्याल में काफ़ी तादाद में लेकिन बट वी नीड मोर नर्सेज वी नीड मोर टेक्निकल स्टाफ इन पाकिस्तान अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा शुक्रिया